सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे HyperOS के स्टेबल अपडेट्स 15 Xiaomi फ़ोन्स के लिए बहुत ही जल्द आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सो इस वाली वीडियो में मैं आप सभी को यही शो करने वाला हूँ कि HyperOS के ये सारे स्टेबल अपडेट्स आपको कब तक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे और कौन कौन से Xiaomi फ़ोन्स के लिए हम इन सारे स्टेबल अपडेट्स को कब तक यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग मैं आर्टिकल ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे क्रिएट कर चुका हूँ। HyperOS अपडेट्स आर ऑन द वे फॉर 15 Xiaomi डिवाइसेस। सो यहाँ पे अब हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेबल अपडेट्स ऑन द वे हैं, कौन कौन से HyperOS के स्टेबल वर्जन्स में। सो यहाँ पे F5, F5 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi Pad 6, इन सब में स्टेबल HyperOS रेडी हो चुके हैं। Xiaomi Pad 6 के लिए HyperOS 1.0.2.0 ग्लोबल, 1.0.1.0 यूरोप, F5 के लिए 1.0.3 इंडिया, 1.0.2 ग्लोबल, 1.0.1 इंडोनेशिया एंड तैवान स्टेबल अपडेट। और Redmi Note 12 5G के लिए 1.0.2.0 यूरोप स्टेबल, पोको F5 प्रो के लिए 1.0.2.0 यूरोप स्टेबल, 1.0.1.0 तैवान स्टेबल, Redmi Note 12 S के लिए 1.0.4.0 ग्लोबल स्टेबल, 1.0.1.0 यूरोप स्टेबल, Xiaomi 13T के लिए 1.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल, 13T Pro 1.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल, Xiaomi 13 Pro के लिए 1.0.2.0 यूरोप स्टेबल, 1.0.1.0 इंडिया स्टेबल, Redmi Note 12 4G 1.0.1.0 इंडिया स्टेबल, Redmi Note 12 4G NFC 1.0.1.0 यूरोप स्टेबल, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, Poco X5 के लिए भी 1.0.1.0 ग्लोबल स्टेबल में रेडी हो चुका है। और इसी के साथ Poco X5 Pro, Redmi Note 12 Pro, Pro Plus में, Redmi Note 12 R, इन सब में भी स्टेबल अपडेट्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। सो अब इसी के साथ ये सारे स्टेबल अपडेट्स हम सभी को जनवरी के एंड तक यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जनवरी के स्टार्टिंग से। सो अगर आप एक्साइटेड हैं सो कमेंट नाउ एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू HyperOS।